बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। आज गुड़ शक्कर के किचन में बनने लगा है। पहले गुड़ शक्कर के किचन को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट। सब्सक्राइब करें और वीडियो फुल वॉच किया करें और लाइक किया करें। ओके, आज गुड़ शक्कर के किचन बनने लगा है ब्रेकफास्ट में क्रिस्पी एग वेजिटेबल पराठा। वाह, इतना यूनिक यमी बनेगा। आपने कहा ना, वाह ये तो यूट्यूब पे पहली दफ़ा आया है ऐसा पराठा, हमने तो कभी खाया ही नहीं है। रियली जब आप एक दफ़ा बना के खाएंगे ना, आप बार बार बनाएंगे, आप डिनर में भी बनाएंगे, आप लंच में बनाएंगे, आपके बच्चे कहेंगे वाह इतना यमी पराठा। ये मैंने आटा लिया, फाइन आटा जिससे हम रोटी मेक करते हैं वो मैंने आटा लिया 1 कप। इसे मैंने छान लिया था, ठीक है। और इसमें पहले हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सॉल्ट 1 टीस्पून, और ये आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी, मैं ऑयल यूज़ करूँगी। ये मेरा ऑयल है, ये है 2 से 3 टेबलस्पून। ओके, ये जाएगा। ये देखिए गाइस, ये तो होगी जो पराठा हमने रेडी करना है उसकी, ये डो जो रेडी करनी है। अब इसे मैं पानी से गूंथती हूँ। ये पोटैटोज़ हैं, ये मैंने एक लिया था मीडियम साइज़ का, और उससे ये देखिए ऐसे मैंने लॉन्ग ब्रिक कट कर लिए। और ये कैप्सिकम लिया है, ये भी ऐसे मैंने, ये एक बिग थी, ये मैंने हाफ ली है। और ये अनियन भी मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया, इसे भी मैंने ऐसे कट कर लिया बारीक सा ना लॉन्ग। एक एग जाएगा, और स्पाइसी जो है वो कुछ यूँ है। साल्ट जाएगा 1 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और ये मैंने ली है ग्रीन चिलीज 2 मैंने ली हैं। ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें, अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो फिर ज़रूर ऐड कीजिएगा और आपको मज़ा आ जाएगा पराठे का। ओके, अब हम ये आटा गूंद लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके ना इसे गूंद लेंगे अच्छी तरह। जो हमने इसकी डो रेडी करनी है ना, वो ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, नॉर्मल। ये देखें गाइस, आटा मैंने गूंद लिया, ये देखिए इतना। अब हम इसे कवर करके रखते हैं 30 मिनट्स, तब तक हम फीलिंग इसकी रेडी कर लेते हैं। फ्लेम ऑन कर लिया, अब इसमें जाएगा ऑयल, मीडियम हाई पे रखा है, 3 से 4 टेबल स्पून आ जाएंगे। अब जाएंगे पोटैटोस, गाइस अब इसमें जाएंगे ऑनियन, आप जाएगी कैप्सिकम। इतनी कलरफुल वेजिटेबल है ये, माशाल्लाह। ये देखिए गाइस, आप स्पाइसी जाएंगे ऑल। अब जाएगा गाइस इसमें 1 एग, आपने हल्का हल्का सा स्पून चलाना, अंदर लेके थोड़े से चमका है ना, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए गाइस, ये हो चुका है डन। अब फीलिंग को हम करते हैं कूल, जब कूल हो जाएगी तो फिर हम पराठा भी काटते हैं। ये देखिए गाइस, एक मुट्ठी और लगा लेते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, अब ये फीलिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे मिंट्स पुदीना, आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत यमी वाली खुशबू आती है, ये ऐड किया मैंने। डस्ट करते हैं, ये देखिए गाइस, मैंने रोटी मेल ली, अब इसमें ये स्टफिंग इधर रखेंगे। ऐसे अब इधर से हम जो है ना ऐसे टर्न करेंगे, अच्छी तरह आपने करना है ऐसे।
ऐसे ऊपर से आपने थोड़ा सा दबाना है ऐसे, ठीक है। फिर अब हमने ऐसे करना है, फिर हम दबाएंगे। आपने करना है इसे लॉन्ग कर लेना है, ये देखिए हैंड से ही आपने कर लेना है, इसे दबा दो। अब इस पे हम लगाएंगे आई, अब डस्ट करेंगे फ्लावर। ओके गाइस, अब आपने ऐसे टर्न करते जाना है, ठीक है, ऐसे ये जो ना ये आपने नीचे ले जाना है ऐसे, और ऊपर से आप ऐसे देखिए माशाल्लाह ऐसे सारे पेड़े रेडी करते हैं। गाइस लाइट ऑफ हो गई है, अभी हमारा टाइम हुआ है 12:30 यानी 12:20 हुए हैं और लाइट ऑफ हो गई है। ऐसे गाइस सारे आपने रेडी कर लेने, फिर इस पे आई लगेगा। थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लेंगे, अब ऐसे हम रोल करते जाएंगे ऐसे, जी माशाल्लाह। और ये नीचे कर देंगे, ऊपर से ऐसे प्रेस कर देंगे, ये देखिए ये भी हमारा डन हो चुका। ऐसे रोटी आपने भी लेनी है, फिर इस पर आपने आयल लगाना है। ओके आयल लगा के अच्छी तरह से फैला लेना आपने सारा। अब थोड़ा सा हम करेंगे डस्ट फ्लावर, ये देखिए। अब जी हम रखेंगे फीलिंग ऐसे, थोड़ी इधर करके रखेंगे ना, फिर से हमने ऐसे टर्न करना है, ऐसे ऊपर से ऐसे आपने पुश कर देना है, दबा देना अच्छी तरह। फिर हम इधर से टर्न करेंगे ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे इसे। अब ऐसे रखे ना ऐसे, ऐसे आपने ऊपर से दबाना है, थोड़ा सा ऐसे खींच लेना, थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाएगा। और ये देखें गाइस इसमें कितने बाल आएंगे, पहले उस टाइप के बाल आए, अब इधर से बाल, अब फिर इधर हम आई लगाएंगे। और ये इतना मज़े का यमी क्रिस्पी एग वेजिटेबल पराठा आपका रेडी होना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। और आपने खा के कहना वाह गुड क्या बात है तेरी। फिर फ्लावर डस्ट करेंगे और अब हम इधर से ऐसे टर्न करते जाएंगे, देखिए कितने भल आते जा रहे हैं गाइस, ये देखिए ऐसे, ये देखिए जी माशाल्लाह। और ये नीचे ऐसे कर देंगे और ऊपर से हम ऐसे पुश कर देंगे, ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारे पराठे हो चुके हैं डन। अब हम इन्हें रेस्ट देंगे 10 मिनट्स के लिए, ऊपर से कवर करके रखते हैं, फिर फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइस 10 मिनट्स हमने रेस्ट दिया और अब हम इसके पराठे बेलते हैं। ओके गाइस हैंड के साथ ही हम कर लेंगे वैसे, आप बेलना भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं हैंड यूज़ करूँगी। ओके ये मैंने हैंड के साथ ही सारा कर लिया, मैंने बेलना नहीं यूज़ किया, पिनिंग रोल बिल्कुल नहीं चूज़ किया, मैंने हैंड के साथ ही ऐसे कर कर के, ये देखिए हमें इतनी चाहिए। अब जी ये देखिए गाइस ये ऊपर जाएगा, देखिए गाइस ऐसे ही हम हाथ से दबा दबा के ना इसे भी कर लेते हैं, इतना ही हमें चाहिए।
ये देखिए गाइस कितना जबरदस्त पराठा हो चुका है डन। ये देखिए गाइस माशाल्लाह, आप साइड चेंज करते हैं थोड़े से और हो जाए। ये देखिए कितनी जबरदस्त लुक आई है, यमी पराठा। और उसके देखिए देखिए गाइस, ये देखिए जी माशाल्लाह कितना जबरदस्त हो चुका है डन। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अब इसमें डालते हैं ऑयल, ये देखिए गाइस जबरदस्त। ये देखिए जी माशाल्लाह, हमारे सारे पराठे हो चुके हैं डन। अब डिश आउट करते हैं और फिर ईट करते हैं। ये देखिए साइड चेंज हो चुकी है, अब इधर भी आए दिखाते हैं। पराठा हो चुका है डन। ये देखें गाइस माशाल्लाह क्रिस्पी एग वेजिटेबल पराठा हो चुका है डन। ये देखिए इसके क्रिस्प चेक करें गाइस, ये देखिए इसकी लहरें देखिए, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितना जबरदस्त, वाह जबरदस्त। गाइस रियली इतना यमी का मैंने आपको क्या बताऊं, टू मच ऑसम पराठा है और इतना क्रिस्पी है और इतना वॉयल लच्छेदार पराठा है, आपको क्या बताऊं, मजा ही आ गया खा के शक्कर। ये देखिए इसके लच्छे चेक करिए, लहदा लहदा इसके लच्छे हैं और बहुत ही जबरदस्त है। और जो इसमें गया उसकी फीलिंग है वाव यमी, ये शक्कर के नाम वाव यमी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, बोलो किसकी रे यम्मी। गाइस मस्ट ट्राई कीजिएगा, आपने डेली ये पराठा ब्रेकफास्ट में खाना आपने कहा ना बहुत लंच डिनर में चलेगा और यम्मी, आपके लंच में भी यही चलेगा और डिनर में जब आप खाएंगे अपनी फैमिली को उन्होंने कहना यार फिर वही पराठा बनाओ यम्मी वाला। ओके गाइस अब आपसे चाहती हूँ इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर लौट के आऊंगी एक नई डिश के साथ, तब तक लिए मुझे शक्कर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाक फौज, आई लव पाकिस्तान, बाय बाय टाटा। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।